हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं CSS के बारे में। अभी तक हम लोगों ने CSS के काफी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, फॉन्ट स्टाइल किस तरीके से चेंज करना है, CSS टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात की, सिलेक्टर्स के टाइप हम लोगों ने देखे, ओके। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बॉर्डर स्टाइल किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग CSS। लेकिन आज हम बात करते हैं CSS के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बड़े इजी वे में यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम ये कह सकते हैं कि वी कैन इजीली मैनेज द CSS स्टाइल शीट्स, राइट। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड मतलब क्या, आप समझिए कि सपोज मैं यहां पर एक पेज लेता हूं, देन आई विल टेल यू व्हाट इज शॉर्ट हैंड। तो हम इसका नाम रखते हैं टेस्ट शॉर्ट हैंड डॉट HTML, ठीक है। एंड यहां पर हमें कुछ बेसिक टैग्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहां पे कुछ HTML के, चलिए हम इसको फिर से डिजाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट में कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने HTML टैग लिया, एंड हियर आई एम टेकिंग अ टाइटल, ठीक है, स्लैश हेड, एंड दिस इज टाइटल एंड दिस इज स्लैश टाइटल, ओके। और इसको हम टाइटल दे देते हैं शॉर्ट हैंड डेमो, ठीक है। Now see this, what is the shorthand meaning? मान लो अगर मैंने यहाँ पर HTML में एक कोई टेक्स्ट लिया है ना बॉडी टैग में, ठीक है, this is body tag and inside this body tag, अगर मान लो हम यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट लेते हैं, okay, we'll consider some text here, तो हम टेक्स्ट एक काम करते हैं, कहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो मेरे पास बॉर्डर में शायद टेक्स्ट होंगे, yes, this is the text, suppose ये कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, okay. This one. And I'm just copy this text here. तो यदि मैं इस text को अभी देखूं, so now this text is look like this, कि मेरे पास अभी जो data है, वो कुछ इस तरीके से है. This is what the text we have. Okay. And when I run this, अगर मैं इसको run करता हूं, तो अभी मुझे जो effect दिखेगा, and simple, these are the text we have. ठीक है, कि ये मेरे पास कुछ simple text है, जिसको हम यहां पे use कर सकते हैं. ठीक. लेकिन अब मुझे अगर इस text पे, suppose करिए कुछ border अप्लाई करनी है, तो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, है ना, वी हैव सीन द बॉर्डर कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे, ठीक। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो यू नो हाउ टू क्रिएट अ क्लास, तो मैंने इस क्लास का नाम रख दिया सपोज अगेन डिस्प्ले, ठीक है, एक डिस्प्ले नाम की हम एक क्लास बनाते हैं, तो यहां पर हमने स्टाइल टैग लिया, एंड दिस स्टाइल वी हैव टेकन वन क्लास कॉल्ड डिस्प्ले, ठीक है, और इस डिस्प्ले में हमने यहां पे अब मुझे कुछ शॉर्ट हैंड अप्लाई करना है बॉर्डर को लेके, ठीक है। तो यदि आपको शॉर्ट हैंड अप्लाई करना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट हैंड, तो आपको पता है हमने बॉर्डर की कुछ स्टाइल पढ़ी थी, बॉर्डर विड्थ हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आपको बॉर्डर की विड्थ चेंज करनी है, देन वी हैव अ बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी, बॉर्डर हाइफन विड्थ, पर उसको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था, बॉर्डर विड्थ मैंने बोल दी सपोज 2 pixels, देन हमने बोला था बॉर्डर स्टाइल किस तरीके से रखना है, सो बॉर्डर हाइफन स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल हमने दे दी सपोज डबल हमने ले लिया इसको, राइट। एंड देन हमने बात की थी बॉर्डर कलर के बारे में, है ना, कि मान लो मैंने कलर ले लिया रेड, तो दिस आर द 3 ऑप्शंस हम लोगों ने यहां पे लिए हैं, बॉर्डर विड्थ हमने देखी, स्टाइल हमने देखा, कलर हमने देखा, ठीक है। और अब इसके बाद मुझे इस इफेक्ट को अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट पे, तो यहां पर हमने डिविजन टैग लिया, and in this division tag I'm just using this class called display, ठीक है, और इसको division tag को हमने close कर लिया यहाँ पर, ठीक है, I'll just close this division tag, ठीक। तो अब अगर मैं इसका effect देखता हूँ, तो no doubt आप बोलोगे सर ये तो हमने last time भी पढ़ा था, okay, what new in that? तो पहले एक बार इसका effect हम देखते हैं, this one, okay, तो अब मुझे अगर यही options shorthand में लिखना है, so how we can write the same option in shorthand rather than writing in these 3 lines, मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ border, ठीक है, border and then first one 2 pixels, ठीक है, and then space, यहाँ पर हमने बोल दिया double, and then space, यहाँ पर मैंने बोल दिया red, तो अब यहाँ पर मुझे 3 अलग अलग स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊंगा, तो it shows me the help कि you have to write a shorthand property for setting border width, style and color. तो शॉर्टहैंड का मतलब ये है कि यू कैन सेट द प्रॉपर्टी ऑफ द शॉर्टहैंड इन दिस वे, कि यहां पर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूं, ठीक है, सो दिस वे वी कैन सेट द शॉर्टहैंड।
और यू कैन से दैट वी कैन राइट अ शॉर्ट हैंड फॉर एनी प्रॉपर्टी. इट इज नॉट फॉर ओनली यू कैन से दैट बॉर्डर. मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई एक सेकंड लेता हूँ फॉन्ट डिस्प्ले के नाम से, ठीक है. मान लो मैंने एक और क्लास बनाई फॉन्ट डिस्प्ले. अब इस फॉन्ट डिस्प्ले में अगर मुझे फॉन्ट के लिए शॉर्ट हैंड लिखना है तो व्हाट वी कैन डू, फॉन्ट यहाँ पर मैंने बोल दिया फॉन्ट कॉलन, तो ये आपने बता दी फॉन्ट साइज आपको कितनी रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, ठीक है. तो मैंने बोल दिया फॉन्ट बोल्ड, ठीक. देन आफ्टर सेकंड प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं फॉन्ट की. तो इन दिस वे वी कैन राइट द फॉन्ट साइज, फॉन्ट प्रॉपर्टी. तो यदि आप शॉर्ट हैंड को यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने डिस्प्ले में सेम प्रॉपर्टी ली है, ठीक है. मान लो मैं इसको ले लेता हूँ 10. सो सी दिस, अगर मैं इसको रन करता हूँ आई विल गेट दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इन माय पेज. तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन है आपके पास, कि या तो हम प्रॉपर्टीज को सेट करें लाइन बाय लाइन, कि या तो मैं हर प्रॉपर्टी को लाइन बाय लाइन सेट करूं, राइट. जैसे अभी हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी देखी कि दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड विड्थ प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड देन वेयर इज कलर प्रॉपर्टी. इन द सेम वे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बॉस डिस्प्ले, मान लो मैंने डिस्प्ले वन के नाम से एक फंक्शन बना लिया. अब इस डिस्प्ले वन में अगर मैं सेट करता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैंने कर दी सपोज दिस इज 20, ठीक है. देन हम सेट करते हैं फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल सपोज, या फॉन्ट कलर सपोज आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपने लिख दिया कलर, कलर में आपने कर दिया सपोज ब्राउन, ओके. तो ये सारी प्रॉपर्टी को बजाय अलग अलग लिखने के, यू कैन ऑल्सो सेट दिस प्रॉपर्टी इन अ सिंगल शॉर्ट हैंड, कि मैं सिंगल शॉर्ट हैंड के साथ भी इन प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, ओके. तो यहाँ पर अब मैं अगर इसी पर डिस्प्ले वन क्लास को अप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट दिस इफेक्ट हियर. कि मान लो अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, तो शॉर्ट हैंड का मीनिंग ये है कि देयर इज नो नीड टू राइट द प्रॉपर्टी लाइन बाय लाइन. यू कैन राइट डाउन द प्रॉपर्टी इन अ सिंगल लाइन, कि आपको पिक्सल्स कितनी रखना है, आपको कितना डबल रखना है, आपको फॉन्ट की जो सॉरी आपको जो बॉर्डर की स्टाइल है वो क्या रखना है, सिमिलरली कलर किस तरीके से चेंज करना है, ओके. तो दैट थिंग्स यू कैन अप्लाई इधर इन थ्री लाइन और यू कैन यूज दिस शॉर्ट हैंड. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो यदि आपने शॉर्ट हैंड को यूज किया है तो आपको शॉर्ट हैंड का इफेक्ट भी वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा नॉर्मल इफेक्ट्स हैं. तो यदि मैं मान लो इसको रेड की जगह, इफ आई कैन चेंज दिस, ठीक है, मान लो मैंने इसको रेड की जगह कर दिया, आई कैन गो विद द सपोज ब्लू, ठीक है, कि मैंने कर दिया दिस इज ब्लू. तो व्हेन आई गो विद दिस ब्लू दिस वन, ये देखिए आप. और सिमिलर वे यदि मैं इसको डिस्प्ले वन कर देता हूँ, सो आई विल गेट द इफेक्ट ऑफ फॉन्ट स्टाइल. तो ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, आई नीड देयर आर सम थिंग्स आई नीड टू राइट फॉर दिस फॉन्ट, ओके. अपन फॉन्ट के लिए आई विल टेल यू हाउ टू सेंड चेक द फॉन्ट स्टाइल एंड ऑल दिस थिंग. लेकिन आई होप ये शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट आपको बॉर्डर के लिए किस तरीके से सेट करना है दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये बॉर्डर के लिए हमने दो तरीके से कॉन्सेप्ट देखा, कि इधर यू कैन राइट ऑल द प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी. फिर रिमेंबर, ये देखिए आप, अपन ने जो लास्ट टाइम बॉर्डर स्टाइल पढ़ी थी, ये देखिए आप, ये जहां पर हमने हर प्रॉपर्टी को अलग अलग लिखा था, राइट. जहां पर हमने जब टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी सेट की थी तो हमने अलग अलग बॉर्डर क्लास बनाई थी जहां पर हमने अलग अलग लाइन पे स्टेटमेंट लिखा था. बट विद द शॉर्ट हैंड यू कैन राइट डाउन इन अ सिंगल लाइन. सो दिस इज व्हाट द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट हैंड, किस तरीके से हम CSS पे शॉर्ट हैंड अप्लाई कर सकते हैं. तो आई होप स्मॉल बट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं. और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो मंजिल काफी दूर है. अभी तो और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बस बने रहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करते रहिए, ठीक है. तो चलिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.